नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस स्टेप्स के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पे आरआरबी के द्वारा पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए जो पोस्ट निकाली गई हैं उन अभ्यर्थियों के लिए एक ज़रूरी नोटिस जारी किया गया है दोस्तों, एप्लीकेशन स्टेटस को लेके। दोस्तों इस नोटिस में यह बताया गया है कि दोस्तों एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन हैं और रिजेक्टेड कैंडिडेट कौन कौन हैं विद रीजंस के साथ इसमें बताया गया है इस नोटिस में। तो दोस्तों यहाँ पे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं इस पैरामेडिकल कैटेगरीज की जो पोस्ट आरआरबी के द्वारा निकाले गए इसमें आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, आप रिजेक्टेड हुए हैं तो क्यों हुए हैं, इसका कारण आपको पता चल जाएगा। मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप बताऊंगा इसको कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस पर एक लाइक तो आप ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रही है नोटिस मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ कि विद द रेफरेंस CEN 02/2019 फॉर द पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज इट इज़ एडवाइज दैट द स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन इज कम्प्लीटेड एंड द लिस्ट ऑफ द प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स एंड रिजेक्टेड कैंडिडेट अलॉन्ग विथ रीजन फॉर रिजेक्शन आर अपलोडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ RRB। तो दोस्तों RRB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे इस लिस्ट को अपलोड कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ कि अ लिंक इज़ प्रोवाइडेड ऑन ऑल द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द RRBs फॉर नोइंग द एप्लीकेशन स्टेटस। दोस्तों यहाँ पे आप किसी भी RRB की वेबसाइट पर जाके फाइनली आप यहाँ पे दोस्तों आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल के दोस्तों आप अपनी एलिजिबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं, इन एलिजिबिलिटी स्टेटस को चेक कर सकते हैं यहाँ पे फाइनली सिंपली। तो दोस्तों क्या आपको जानना होगा, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद दोस्तों डेट ऑफ बर्थ के साथ ही आप अपनी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं ये सभी का को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं RRB की वेबसाइट पे जाके। दोस्तों ये जो लिंक है वो एक्टिवेट कब से हुआ है, तो दोस्तों 10 AM ऑन 9/6/2019 से यह लिंक एक्टिवेटेड कर दिया गया है। उसके बाद कुछ अन्य इन्फॉर्मेशन एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है, कैंडिडेट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट इज़ प्योरली प्रोविजनल एंड इज लाइबल टू बी कैंसल्ड एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट और देयर ऑफर इन केस ऑफ एनी इनकन्सिस्टेंसी। तो दोस्तों यहाँ पे यह भी लिखा गया कि कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं वो बाद में जाके उनका एप्लीकेशन स्टेटस कैंसिल भी किया जा सकता है अगर वे किसी कारणवश अपना डॉक्यूमेंट्स गलत प्रोवाइड कराते हैं तो। उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT फॉर ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर लाइकली टू कमेंस ऑन द सेकेंड वीक ऑफ जुलाई 2019। तो यहाँ पे दोस्तों पैरामेडिकल पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम डेट बताई गई है वह सेकेंड वीक ऑफ जुलाई यानी 2019 के जुलाई का जो सेकेंड वीक होगा तब से परीक्षाएं स्टार्ट होंगी, यहाँ पे इसके बारे में भी बताया गया है। तो दोस्तों ये कुछ ज़रूरी सूचना आपके लिए देनी थी, सिंपली आप RRB की वेबसाइट पर जाके आप अपना एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, कि आप रिजेक्टेड कर दिए गए हैं पैरामेडिकल कैटेगरीज की पोस्ट से। तो दोस्तों थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।